So hey guys, my dear friend, good morning. How are you all? I'm fantastic. So last class में physics की electricity class में हम लोगों ने कुछ basics पढ़े थे कि charge किसे कहते हैं, particle charge किस तरीके से होता है, जब किसी body पे charge आ जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी abilities आती हैं, वो surrounding में किसी और charge particle पे electrostatic force लगा सकता है जो कि attract भी कर सकता है और repel भी कर सकता है। यहाँ तक सबको समझ में आया था? चलिए, फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था दैट चार्ज पार्टिकल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बच्चों उसमें जाना था कि कैसे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, कैसे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा बच्चों, इतनी सारी बात होने के बाद एक चीज तो रह गई, क्या हमने चार्ज का ऐसा यूनिट डिस्कस करा? नहीं करा। मैंने बताया था आपको किस साइंटिस्ट ने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था? कूलम्स, साइंटिस्ट सर कूलम्स ने। तो कूलम्स के नाम पे ही चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्स रखा गया है। ठीक है, तो पहले तो नोट करेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज CoulombS, कूलम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, आप सिंपली कैपिटल सी लिखते हैं। ठीक, कभी कभी पूछा जाता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की, नेचर की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव नेगेटिव। सो दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ये बहुत बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। देखो ना, पावर माइनस 19 है, इसका मतलब हो गया 1.6 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 19 जीरोस। क्लियर है? बहुत छोटा चार्ज है यार, बहुत छोटा चार्ज। हम जब डील करते हैं तो बड़े बड़े चार्ज से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने डील करा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कितना चार्ज? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब इस पे आया बेहतरीन सवाल दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूट चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, कि कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे कि कुल मिल करके 1 कूलम्ब का चार्ज बने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया होता है। सॉल्व करेंगे? सॉल्व करना चाहेंगे? जोर से बोलो, सॉल्व करना चाहोगे? ओके, स्टार्ट करते। सवाल लिखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूएंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूएंट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूएंट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम्ब का चार्ज बनाएंगे। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज पीस ऑफ केक। आइए समझते हैं, हमको नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम्ब का चार्ज बनाएंगे। हम सपोज करेंगे लेट एन इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूएंट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, हमने माना एन इलेक्ट्रॉन है, सो मैं लिख देता हूं लेट एन इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। ठीक है, सो देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, अगर मैं इसको एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटू कर दूं तो ये टोटल चार्ज कितना बनेगा? 1 कूलम्ब। सही है? जोर से बोलो, सही है? 1 कूलम्ब। अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगानी है, एन की वैल्यू निकालनी है, खत्म हो जाएगा खेल। बोलो, समझ में आ रहा है? सो आफ्टर ट्रांसपोजिंग दिस विल बी 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब से कूलम्ब खत्म हो गया, ये तो नंबर आने वाला है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, हाउ टू डिवाइड 1 / 1.9 × 10⁻¹⁹, और गेम है बोर्ड में स्पीड का, किसका गेम है? तो मैं कहता हूँ याद कर लो आंसर कितना आएगा, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। डिवाइड करना चाहोगे तो ऐसा कीजिएगा, पहले इस पॉइंट को हटाइएगा, ऊपर 10 बनाइएगा, नीचे से 10 की पावर ऊपर ले जाएगा, प्लस 19 upon 16। फर्दर आप इसको 100/16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और 100/16 होता है 6.25, साथ में बचेगा, देखो एक जीरो था डेसिमल का, एक मैंने यहाँ से उठाया, तो 10⁻¹⁹ कितना बचेगा? आई थिंक 18। तो आपका आंसर आएगा 6.25 ये इंटू
10^18 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्लियर है? Yes, sir. बोलो समझ में आया? ध्यान yes, से सुनना, दो नंबर का सवाल था आपकी जेब के अंदर हाथ में। क्लियर है? कम इन, इसको नोट कीजिए, कम इन जी, इसको नोट कीजिए, शाबाश, वेरी गुड। सो बच्चों इसी में अब छोटा सा ये इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। अगर सपोज एग्जामिनर ने 2 कूलम चार्ज बोला तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.25 पर 2 टाइम्स, दैट इज 12.50। 2 टाइम्स करना है यार, बहुत इजी है, श्योर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं छोटे से टॉपिक जो इसी के अंदर आता है, जो हम अपनी सराउंडिंग में देखते भी है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे मटेरियल में फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो किस टाइप के मटेरियल से रोकने की कोशिश करते हैं। दोस काइंड ऑफ मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी is allowed to pass are called conductors, and those materials which do not allow electricity to pass are called insulators. तो क्या definition लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिख दीजिए, heading लगाइए conductors and insulators, heading लगाइए conductors and insulators. कंडक्टर में लिखिए दोज सब्सटेंसेस विच एलोज AWS एलोज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम are called conductors. अब एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं, एग्जाम्पल लिखिए ऑल द मेटल्स दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं सब गुड कंडक्टर्स हैं, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉमा एक नॉन मेटल भी है बच्चों जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्या नाम है उसका? ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। लिखिए कॉमा ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, एलॉयज के बारे में जानते हैं? कुछ एलॉयज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के बाद एग्जांपल में लिखिए सम एलॉयज सच एज नाइक्रोम NICHROME नाइक्रोम कॉमा MAGANGANIN मैंगानीन MAGANGANIN मैंगानीन कॉमा CONSTANTAN constant 10 ब्रैकेट में लिखिएगा आर यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखिएगा आर यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट, आर यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, नहीं भी क्लोज मत करना, आगे और लिखेंगे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। ठीक है, अब सुनो एक छोटा सा काम मैं बच्चों आप पे छोड़ रहा हूं, इन एलॉयज का कंपोजिशन
आपको ढूंढना है नेट की हेल्प से दैट नाइक्रोम वायर, देखा हीटर में लगा होता है ऐसे गुड़ुक गुड़ुक गुड़ुक, नाइक्रोम वायर होता है, नाइक्रोम निकल क्रोमियम और थोड़े से और मेटल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो आप इनका कंपोजिशन ढूंढेंगे घर पे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन, ठीक है। यूज तो इन सबका हीटिंग एलिमेंट में होता है। देखो एक टर्म हमने यूज करा देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या यूज करा कंडक्टिविटी, और एक टर्म आगे आएगा रेजिस्टिविटी, पढ़ा है? अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आप जानते हैं? क्या आपको पता है रेजिस्टिविटी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? क्या आपको पता है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि रेजिस्टिविटी किन बातों पर डिपेंड करती है? बोलिए हाँ या ना, शाबाश बताइए। नो सर, ओके नो प्रॉब्लम। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पे बढ़ेंगे मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा, वहां पे मैं आपको कंडक्टिविटी भी क्लियर करवा दूंगा। फिलहाल के लिए एक बात बता दूं, फिलहाल के लिए एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। जिस सब्सटेंस की जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी, ठीक। मान लो मुमन हमने एक सवाल पूछा कि प्लास्टिक, प्लास्टिक की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या ज्यादा होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हमने एक सवाल पूछा कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, क्या आंसर आएगा? सिल्वर। देन यू हैव टू टेल मी विच मेटल इज द, विच मेटल हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अरे जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा भैया उसी की तो रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सिल्वर। समझ में आई बात? ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखने, ठीक है। यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। एक चीज और बता दें, रेजिस्टिविटी का यूनिट बता दें आपको, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? चलो मैं बताता हूं, शाबाश। रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो, आर एच ओ, रो इज इक्वल्स, अच्छा यहां से बनाते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, रो इज रेजिस्टिविटी एंड आर इज रेजिस्टेंस। अब यहां से देखो अपन को रो के बारे में जानना है तो ट्रांसपोज होगा ए इंटू आर अपॉन एल, सो रो इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू ए ओवर एल। अब क्या बनाना है? ऐसा यूनिट सबका तरीका सेम होता है, रो का बनाना है, रो का एज इट इज लिखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट लिखिए ओम, इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इंटू मीटर, लेंथ का मीटर, एक मीटर से एक मीटर खत्म हुआ, बचो यूनिट बना ओम मीटर। इसको ऐसा भी लिखते हैं हेडफोन के सिंबल के साथ, ओम मीटर। क्लियर है? क्लियर है? कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? इसका उल्टा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्या होगा? पावर माइनस वन आती है ना, तो उसी को इनवर्स पढ़ते हैं। देखो ये तो आएगा कंडक्टिविटी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं बट आई थिंक कैपिटल जी से दिखाता है कंडक्टिविटी को, थोड़ा सा मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। वैसे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टिविटी लिख देंगे, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यूनिट बनेगा वन अपॉन ओम मीटर, इसी को फर्दर लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, शॉर्ट में से कहते हैं महो, क्या कहते हैं? महो, ओम का उल्टा महो होता है। जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम क्या है इनका? जॉर्ज साइमन ओम। और एक चीज और सुनो, बड़ा अच्छा सा बता रहा हूं, कंडक्टिविटी की यूनिट को बाद में साइमन कह दिया गया, क्योंकि ये भी तो कौन बता रहे हैं? जॉर्ज साइमन ओम बता रहे हैं, तो याद रखने वाली बात है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, और कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन। किसका नाम है? जॉर्ज साइमन ओम, वो साइंटिस्ट का जिन्होंने ओम्स लॉ दिया, उन साइंटिस्ट का जिन्होंने ये बताया
कि किसी कंडक्टर पे वोल्टेज लगाने पे, पोटेंशियल लगाने पे, उस पर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फॉलो होता है। हाँ जी मैम बताइए। कर दो फिर, आई विल प्ले, डोंट वरी आई विल डू, गुड, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है। बच्चों क्या आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल वायर हम लोग डालते हैं उसके अंदर कौन सा मेटल यूज करते हैं? कॉपर यूज करते हैं। बट अभी तो हमने पढ़ा था कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, तो फिर हम कॉपर का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज चीपर एंड इकोनॉमिकल, इट इज चीपर एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। ये पॉइंट कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कर लेंगे इसको। चलिए बहुत बढ़िया। कॉपर वायर को कभी छिलके देखा आपने? कॉपर वायर जो कनेक्शन के लिए दी जाती है, कभी छिलके देखा है? हाँ, एक्सपेरिमेंट में देखा होगा। यू वॉन्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू कैन टेक, बट मेंटेन द डेकोरम एंड साइलेंस इन द क्लास, ओके। चलिए अब आता है बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल, दैट व्हाट मेक्स एनी सब्सटेंस एज कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या चीज ऐसी होती है जो किसी सब्सटेंस को कंडक्टर बनाती है? वो कौन सी चीज होती है किसी मटेरियल के अंदर? थोड़ा सा जरा सोचने की कोशिश करेंगे, ध्यान देते हैं। एक मटेरियल के अंदर क्या होता है? एटम्स। क्या होता है? एटम्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? किसने करी थी बोलो? शाबाश उमर, बोलो। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स? जे जे थॉमसन। हु डिस्कवर्ड? जे जे। अच्छा, डिस्कवर और इन्वेंट में क्या डिफरेंस होता है बताएं? सुना है टर्म इन्वेंशन डिस्कवरी, बहुत बेसिक सा टर्म है, बताएं क्या डिफरेंस होता है? डिस्कवरी मतलब खोजना और इन्वेंट मतलब, वेरी गुड, जो चीज पहले से ही दुनिया में है, अगर आपने उसको ढूंढा है तो आप कहेंगे डिस्कवरी करिए। जैसे इलेक्ट्रॉन पहले से थे, हमने सिर्फ ढूंढा। इन्वेंट मतलब हमने नई चीज बना डाली, जैसे कोई नया इन्वेंशन हुआ है साइंस में, बायोलॉजी में। एयर तो इन्वेंट, एयर तो डिस्कवर भी बेटा। पार्डन, एआई। हाँ वेरी गुड, एआई को हमने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने इन्वेंट करा है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो सवाल ये था कि मेटल्स की बात करें या कंडक्टर्स की या सब्सटेंस की बात करें, तो इनके अंदर वो क्या चीज होती है जो इनको कंडक्टर बनाती है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या करंट को फ्लो होने देते हैं? तो आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आंसर है? वेरी नाइस। तो जरा लिखिए, दोस सब्सटेंस विच हैव प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको अंडरलाइन करना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, दोस सब्सटेंसेस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम फुल स्टॉप। ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स, all the conductors like metals have some electrons which are loosely held by the nuclei of their atom. Due to which they are free from their duty of, due to which they are free from their duty of revolving around a particular nucleus.
होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सैंपल लिया है किसी मेटल का, लेटेस्ट से हमने कॉपर का ले लिया। किसका ले लिया? इसके अंदर बहुत सारे कॉपर के एटम है। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा कॉपर का न्यूक्लियस। इस तरीके से सैंपल के अंदर करोड़ों करोड़ों कॉपर के एटम बाउंडेड है आपस में, ठीक है। ओके, यहां पे सब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन थे। आपको पता है न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। क्या प्लस और माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? हाँ होता है। कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमने पढ़ा था। तो ये फोर्स प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन का होगा। और ध्यान से सुनो, और न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ के रखेगा, बोलेगा भैया कहीं जाना मत। क्या बोलेगा? कहीं जाना मत। अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है? मेरे को एक स्टूडेंट का हेल्प लगेगा। दिव्यांशु आ गया है। अब मैं दिखाने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है। अरे फोर्स लगाने पे चीजें आगे पीछे जाती है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन गुज गुज शक्तिमान क्यों बन जाता है? फॉर दिव्यांशु इधर आए। सपोज दैट दिव्यांशु क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और मैं क्या हूं? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। देखो ध्यान दो, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको आप केमिस्ट्री में बॉन्ड कहते हो। अगर मैंने दिव्यांशु को यूं खींचा तो क्या होगा? अट्रैक्शन के कारण मेरे पास आएगा और प्लस माइनस मिलकर के एनिहिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हम दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दुनिया से गायब। लेकिन सर ऐसा थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन तो घूमता है। क्या करता है? समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दिव्यांशु आप बेटा इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। ये वाला हाथ दे दो कैमरे पे अच्छे से। दिव्यांशु अपना आराम से चल रहा है। दिव्यांशु चलो, और मेरा फोर्स देखो किस तरफ है? अपनी तरफ। दिव्यांशु चलो 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 आगे चलो आगे चलो। शाबाश, आप आगे चलो और चलो, थोड़ा पीछे आओ ना। हाँ अब आप आगे चलो, आगे चलना है बेटा। कदम चलाओ, कदम चलाओ, कदम चलाओ। शाबाश, नहीं समझ पा रहे आप, मेरे को पकड़ना बताऊंगा इस तरफ। बस अपनी तरफ पकड़ के रखना, नहीं खींचना नहीं है, पकड़ रखो आराम से। अब देखो मैं आगे चल रहा हूं, मैं क्या हो रहा हूं? घूम रहा हूं कि नहीं घूम रहा हूं? अरे मैं घूमने लगा कि नहीं घूमने लगा? ये देखो घूमने लगा। दिस इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके कारण हो रहा है? ध्यान देंगे, मेरा मोशन का डायरेक्शन इधर, हाथ ऐसे रखना, मेरा मोशन का डायरेक्शन इधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90। तो जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा बच्चों तो मैं यूं घूम जाऊंगा। क्या मैं इलेक्ट्रॉन बन गया हूं? Yes, इसमें कौन सा फोर्स इन्वॉल्व था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और किसका रोल प्ले कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। किसका रोल प्ले कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी पार्टिकल पे उसकी वेलोसिटी के 90 डिग्री पे काम करता है। क्या कहानी क्लियर भी? क्या कहानी क्लियर भी? जय दिव्यांशु, थैंक यू सो मच। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जाना जा रहा था न्यूक्लियस की तरफ, उस पे एक फोर्स काम करता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और एज अ रिजल्ट घूमना स्टार्ट करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, क्या आप मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि सर वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है? वेरी गुड। कहां पे लगता है? सोलर सिस्टम में। सन, अर्थ ऐसे जा रही थी, सन उसे अपनी तरफ खींचता है, वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। क्या यहां तक आने क्लियर भी? अच्छा, लेकिन हमको तो ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे बन जाता है। क्या जानना था? अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी तो घूम रहा है। अब देखो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनिएगा, रूम टेम्परेचर पे इस इलेक्ट्रॉन को हीट या लाइट की फॉर्म में कुछ एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। अब एनर्जी मिलने से ये थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे को टॉफी मिलती है खुश नहीं आता, बोलता नहीं है मैंने तो खट्टी टॉफी खाई है, बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता? तो समझ लो इसने खट्टी टॉफी खा ली। अब ये सेंटर के अपने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के फोर्स को तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है, उससे ओवरकम कर लेता है, और ओवरकम करने के बाद बच्चों ऐसे बावरा बन के यहां घूमने लग जाता है। क्या बन के घूमने लग जाता है? बावरा सा बन के। क्या अभी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन गया? बोलो हाँ या ना। बट बच्चों को एक चीज लगती है कि ये तोड़ के बाहर निकल जाएगा। नहीं भाई, तोड़ता नहीं है, रहेगा ये सब्सटेंस के अंदर। ये इस कोने से इस कोने कहीं भी घूम सकता है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विच इज फ्री फ्रॉम इट्स ड्यूटी ऑफ रिवॉल्यूशन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहानी क्लियर भी? क्या आपके माइंड में फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके, कुछ नोट करना चाहेंगे या नहीं? जल्दी बोले।
चलिए मैं एक मिनट पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा पानी पी लूंगा। अच्छा ये तो था कि वाई सम मटेरियल्स आर कंडक्टर। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया कि वाई सम मटेरियल्स बिहेव्स एज इंसुलेटर, तो क्या आंसर देंगे? बोलो बोलो, शाबाश। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इंसुलेटर्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं। होते कि नहीं होते? फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बने थे? सर हीट दे करके, लाइट दे करके। तो क्या अब नहीं दी जा सकती हीट एंड लाइट? क्या अपन किसी नॉन मेटल को, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक पे लाइट डाले, तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता? सर नहीं बनता है। सर आपको कैसे पता? अरे हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया, हमने हवाई चप्पल पकड़ी रबर की, उसके दोनों तरफ बैटरी के प्लस माइनस लगाए, क्या लगाए, और स्विच ऑन करके बोला करंट फ्लो हो जाए, लेकिन हुआ ही नहीं। करंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है किससे पता चलता है? अमीटर से। किससे पता चलता है? कहाँ लगाया जाता है, सीरीज में कि पैरेलल में? सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। तो नहीं दिखाई दिया, तो हमने दिमाग लगा के बोला कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बना। कौन से समीन सर ने उसके अंदर घुस के देखा कि इलेक्ट्रॉन चुक चुक करके दौड़ रहा कि नहीं दौड़ रहा? अरे ये चीजें तो इनसाइट से आती है, इनसाइट समझते हैं, दिव्य दृष्टि से पता चल जाती है। यही तो साइंस है, जो चीजें हमने अपने सामने घटित होते हुए नहीं देखी, लेकिन हमने लॉजिक लगाया और क्लियर कर लिया कि इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है। नंदिनी इज इट क्लियर? क्लास इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? यस सर। वेरी नाइस, यहां तक कहानी क्लियर हो गई? बोलो सब बच्चे, ठीक है। अब एक सवाल मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, क्या याद है? क्या उसका आंसर मैंने आपको बताया? नो सर। सैलरी कटनी चाहिए मेरी? नहीं कटनी चाहिए, कट जाती अगर आज नहीं बताता। आओ जानते, देखो हमने कहा था व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, आपने बहुत शानदार आंसर दिया था, इट इज एनर्जी, इट इज एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पढ़ा था, ठीक है, वेरी नाइस। इससे क्या क्या काम करते हैं हमने कल लिखा था, लाइटनिंग कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने डेली नीड के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को रन कर सकते हैं। सर अब बारह थी करंट की, करंट क्या होता है सर? बेसिकली हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, बट यहाँ फिजिक्स में करंट लिख के चलते हैं, सबको बता हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, वाटर करंट नहीं बोल रहे। आहा सर करंट क्या होता होगा? देखो बच्चों, किसी वायर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है अपने को मेजर करना पड़ेगा ना? मेजर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वांटिटी की, किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की, तब हम उसको नाम देते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बोले बात समझ में आई? किसी वायर में, किसी कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिकल, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, हम ये बोलते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या बोलते हैं? फिर आंसर देते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? इट इज मीजरेबल क्वांटिटी, इसको मीजर करा जा सकता है। देखो इलेक्ट्रिसिटी बोलने से हमको सिर्फ क्वालिटी पता चलती है, क्या पता चलती है? क्वांटिटी बताने के लिए हमको इलेक्ट्रिक करंट या करंट टर्म यूज करना पड़ता है। क्या बात क्लियर भी? बोलो क्या बात क्लियर भी? अच्छा अब सिंबल क्या होता है बच्चों इसका, स्मॉल आई या कैपिटल आई? पर आसान है, स्मॉल आई। शिट, पॉज करो वीडियो।